भोरे भोरे हम तो खेलने का शौक रहता रनिंग में तो आप पिकअप छोड़ता है, वो दिखवा दीजिएगा। भाई तो क्लच प्लेट लगता है जला दिए हैं। ठीक है, कितना एस्टिमेटेड है? पूरा जल गया ना। तो भाई देख सकते हो पूरा इंजन का मतलब हालत देख रहे हो, कितना रस्टिंग हो रखा है। मतलब दो पार्ट अगर ज्वाइंट होता है ना तो दो होल्ड करने के लिए किसी ना। अच्छा अच्छा, उससे कोई दिखता नहीं कैसे हम, जबकि क्लच हम बहुत कम ही यूज करते हैं। दोनों में लाइन, दोनों में आ गया ना। और ये जो रस्टिंग ये सब हो गया भाई, लगता है यमहा का ये एक न्यू कलर है, रेड कलर में काफी मस्त लग रहा है। यूट्यूब पे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि इसमें यूजर मैनुअल में लिखा हुआ FZ में कि 1100 ml इसमें डालना चाहिए। 1100 हाँ मोबिल, और लेकिन डलाता हम लोग का 1 लीटर, तो उससे कोई दिक्कत होता? हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया बवाल ललन टाप एकदम झकास होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो FZ का फाइनल सर्विसिंग यानी फोर्थ सर्विसिंग होने वाला है, जो कि फ्री है। तो ये 4 सर्विसिंग इसमें फ्री मिलता है, जो कि मैंने ये चौथा सर्विसिंग और मैंने क्लेम कर लिया है अभी, और अभी जो है मैंने निकल गया हूँ। तो सारा वीडियो आपको डाल दूंगा अभी एडिट करते समय, तो जितना भी जैसा भी हुआ है सब आपको डिटेल्स देंगे। तो बने रहिए चैनल को, स्टे ट्यून हमेशा कहते हैं, और राइट सेफ अंटिल यू रीच। तो अब राइड करके भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने सर्विसिंग करवा लिया उसके बाद इसका इंट्रो बना रहा हूँ। तो अब जैसा होता है जो भी आपको डिटेल्स अभी हमको एक्सपीरियंस होता है तो वो भी बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं, थोड़ा सर्विसिंग आपको दिखा देते हैं उसके बाद। चल भोरे भोरे हम तो खेलने का शौक रहता है। सर्दी अलग हो रखा है। अरे 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 चलो चल, अरे हटेगी तुम ये फिशुम 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 चलो भाई साहब। बस रनिंग में थोड़ा सा पिकअप छोड़ता है, रनिंग में थोड़ा पिकअप छोड़ता है, वो दिखवा दीजिएगा। भाई तो क्लच प्लेट लगता है जला दिए हैं। तो क्लच प्लेट का प्रॉब्लम इसमें लगता आ गया है, और 1 साल हो गया है, तो इसका भी रिव्यू अभी हम कर रही हैं, मतलब रिव्यू कर दिए हैं। फर्स्ट टाइम क्लच प्लेट इसका चेंज होगा, 1 साल होने जा रहा, देखते हैं, बताया तो जा रहा। ठीक है, कितना एस्टिमेटेड है? 250। और कुछ है भैया? गाड़ी इधर लगवाइए, गाड़ी ले जाइए आइए सीएम वाला भी। भाई साहब, भाई गाड़ी धुला चुका है और खुल भी चुका है, हमको ध्यान में नहीं था। इन देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है, क्या हुआ है, अभी सब कुछ देख के बताते हैं। देख ले सब कोई, ये वाला साइड पैनल टूटा हुआ है तो इसको चेंज कराना है, देखते हैं। और अभी क्लच प्लेट जलने का मतलब कि हमको हेड मैकेनिक ने बताया है, तो देखते हैं। तो अभी क्लच प्लेट खुलेगा, उसके बाद हाफ सेंटर भी कटा हुआ है, हब भी कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है, सब चीज़ देख लेते हैं। और ये फाइनल सर्विसिंग है इसका फ्री वाला, उसके बाद सारा पेड होगा, तो इसका सारा डिटेल्स आपको देंगे। और ये 1 ईयर रिव्यू तो आपको मिल ही गया है, तो उसका लिंक आपको इधर मिल रहा होगा, देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो मोबाइल तो कुछ दिन पहले ही हम चेंज कराए हैं, देखते हैं जला हुआ है कि नहीं, लग तो रहा है। मोबाइल ठीक है ना, इसको दे देना किसी चीज़ में करके। मार 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 के। मोबाइल ठीक है, लेकिन फिर भी मोबाइल चेंज करवा लेंगे और इसको रख लेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि अभी 100 किलोमीटर पहले ही चेंज करवाए थे, 150 किलोमीटर।
पैकिंग बहुत टाइट हो रखा है। भाई तो फाइनली खुल गया। क्या डबल डाल दे, लिखे डबल के खोल के मोबाइल डाल के सब डाल दे। क्लच प्लेट पूरा जला हुआ है ना भाई, क्लच प्लेट जल गया है। ये कुछ इसका गियर सेटिंग्स है, जंग भी लग गया, गरम है इंजन। यहाँ पे थोड़ा सा पैकिंग खुल नहीं रहा था, मोबाइल ठीक है, ज़्यादा जला नहीं है। हाँ तो क्लच प्लेट खुलने जा रहा है, और भाई फर्स्ट टाइम क्लच प्लेट खुलेगा ये। अब देखते हैं इस गाड़ी में कितना बार हम क्लच प्लेट जलेगा और कितना बार चेंज कराएंगे। ऐसे तो हम बहुत कम ही क्लच का यूज करते हैं, एक साल हो गया, चलो कोई बात नहीं। पूरा जल गया ना, पूरा कट गया। तो भाई देख सकते हो पूरा इंजन का मतलब हालत, देख रहे हो कितना रस्टिंग हो रखा है, पूरा हालत खराब है। अच्छा तो पूरा जला है, ये भी जल गया है, ये भी चेंज होगा। ये हब हुआ ना, हब हुआ है, सेंटर हुआ। एक वो हब सेंटर हो गया ना। अच्छा जो जो पार्ट मतलब होगा ना चेंज, उसको दे देना, ठीक है। और मोबिल तो अच्छा है, वो जला नहीं ना है, उसको डब्बा में करके दे देना। जो डब्बा का मोबिल डालोगे ना, वही डब्बा दे देना, उसी डब्बा में करके। यू तो फिर यूज हो जाएगा, इस गाड़ी में नहीं हो पाया, दूसरे गाड़ी में हो जाएगा ना। कार्बोरेटर वाला ना, हाँ कार्बोरेटर वाला है एक गाड़ी। देखे एक बार, तो ये नया है और ये पुराना है भाई, क्या हाल है। तो भाई ये फिटिंग हो गया है, हाफ सेंटर क्लच हब मतलब सॉरी क्लच हब फिट हो गया। तो भाई ये एक नट है जो नहीं खुल रहा है, देखते हैं, बोल तो रहा कोई दिक्कत नहीं है, होना तो नहीं चाहिए। और जो मोबिल दिखा देते हैं, ये है मोबिल, और मोबिल फिल्टर को पूरा फैट जल ही जाता। तो नया सब चेंज हो रहा है, क्लच प्लेट भी है, वो साथ में जो सपोर्टिंग प्लेट स्टील वाला होता है ना, वो भी, तो ये तीनों चीज़ें। ये पुराना पार्ट हो रहा है,
इसमें चार को लगता है क्लच प्लेट। अच्छा ये लोहा वाला भी खराब हो गया था। तो क्लच प्लेट हो गया है चेंज, हाफ क्लच हब भी हो गया है चेंज, अब हाफ सेंटर्स लगेगा। क्लच हाफ सेंटर, देखा ना ये नया वाला है और ये पुराना वाला, ये वाला ही पार्ट। उसमें एक नट रह गया, वो खुल नहीं रहा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना है? उसमें एक नट रह गया है, वो खुल नहीं रहा, वो वाला नहीं, नट नहीं है वो। अच्छा वो शॉवेल कहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब दो पार्ट अगर ज्वाइंट होता है ना तो दो होल्ड करने के लिए किसी चीज़ होती है ना। अच्छा अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं ना रहता है? वो कभी इससे रहेगा, कभी इससे निकल के आ जाएगा। अच्छा अच्छा, रस्टेड हो जाती है यहाँ पे, देखो है ना रस्टेड है, तो कभी कभी उसमें भी रह जाती है, कभी इसमें निकल आ जाती है। अच्छा, ये सिर्फ होल्ड करने के लिए। अच्छा, ताकि मैं कुछ नहीं रहता पकड़ के। हाँ बहुत टाइटली बंद था पैकिंग, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो नट नहीं रहता एक तरह का, और डॉबल उसको कहते हैं, वो होल्डिंग के लिए होता है। तो भी प्रॉपर जगह पे वो एडजस्ट। अच्छा, इधर उधर फंस के नहीं ऊपर। हाँ वो तो अभी बहुत टाइटली एकदम पूरा एकदम पैक था, अभी हम देखे हैं। हाँ। जब खुलने हिलने में थोड़ा हो रहा था, वो डॉबल नहीं रहेगा ना, जब पवन लगाएंगे ना ऊपर नीचे माइनर में आपको ऊपर नीचे खत्म करता। अच्छा अच्छा, उसके बाद तब से हाँ जो सब खत्म तब पूरा चल गया, तो लाइनिंग आ गई। पता नहीं कैसे, हम जबकि क्लच हम बहुत कम ही यूज करते हैं, दोनों में लाइनिंग आ गई, दोनों में आ गया ना। और ये जो रस्टिंग ये सब हो गया, ये तो हीट के कारण हो गया। अच्छा, ये जो इतना घिसा ना, हीट हुआ ना, उसके कारण हो गया। और ये प्लेट जो है ना, इसमें कॉर्क होता है, ये जल गया कॉर्क, तो अच्छा जलने के बाद जो ऑयलनेस निकला ना, वो सब ये सब रेडिश हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्योंकि अभी तक ये अभी चेंज नहीं हुआ था, ये कार्बन इसके अंदर है, ये सब कार्बन, ये सब छूट जाएगा, छूट जाएगा, सब निकल जाएगा, लेकिन बहुत। अच्छा ये जो रहता है, ये फुल एल्युमिनियम का बना रहता है या हाफ एल्युमिनियम का? ऐसा कुछ कह नहीं सकते, बहुत सारा चीज मिक्स भी रहता है। अच्छा, ये सिर्फ एल्युमिनियम नहीं है। अच्छा अच्छा, बहुत सारा चीज मिक्स है। एक्चुअली बाहर में ये बहुत बिकता है, लोग हमेशा रखता है इसीलिए कि एल्युमिनियम समझता है इसको पूरा। हाँ, ये एक्चुअली मिक्स रहता है, केवल एल्युमिनियम नहीं तो वो फ्रीज जाएगा। अच्छा, तो भाई पैकिंग हो गया सब, मतलब क्लच का जो पैकिंग है वो हो गया पूरा, और जो पैकिंग कट भी गया था वो रहा उसका, वो टूटा हुआ और कसा रहा है। अब मोबिल इसमें जाएगा, मेजर जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। और ये जो बहुत सारे लोग समझते हैं इसको प्योर एल्युमिनियम, ये प्योर एल्युमिनियम नहीं रहता, ये जो आपका है ये आपका मिक्स मेटल होता है, क्योंकि अगर प्योर एल्युमिनियम रहेगा तो वो गिर जाएगा। अभी मैंने हेड मैकेनिक से बात किया तो उन्होंने मुझे समझाया, और जिसके बारे में हम कह रहे थे जो अटक गया था, वो नट नहीं था, वो डॉवेल था जो उसको होल्ड करता नट खुल, ताकि वो हिले नहीं होते उधर। और मोबिल ज़्यादा जला नहीं है तो हम उसको यूज कर लेंगे दूसरे गाड़ी में अपना, देख लेते हैं बाकी कितना क्या खर्च आता है सब कुछ। भाई जान आ गया, अब थोड़ा देखने में भी वीडियो बनाने में भी मज़ा आएगा। भाई लगता है यामाहा का ये एक न्यू कलर है, रेड कलर में काफी मस्त लग रहा है। वर्जन 4 में गोल्डन का इसका दिया है रिम, और रेड कलर में दिया, मतलब रेड और गोल्डन का मिक्सर है, मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है मतलब देखने में।
चाय पीने गए, मोबिल फिल्टर हो गया है चेंज। चलिए कोई बात नहीं, मोबिल अभी चेंज होगा, मतलब नया डलाएगा मोबिल। तो मोबाइल पे भी एक बंदे ने कमेंट करके पूछा था, मतलब दो तीन लोगों ने कमेंट किया था तो कि इसमें 1100 ml डलाता है लेकिन 1 लीटर ही क्यों डालते हैं, इसमें 100 ml और डलवाना चाहिए। तो उसके लिए हम अभी मैकेनिक से बात करके उस पर भी आपको डिटेल कंफर्म करेंगे और जितना भी कमेंट आया सबका रिप्लाई कर देंगे। इस पर इतना सारा कमेंट कर देते हो यार तुम लोग, जितना भी जो भी है कुछ भी रहे कमेंट करो, अच्छा बात है। और हाँ, बाकी सब वीडियो का लिंक भी हम इधर उधर सब में लगाए हुए हैं तो सब देखते जाओ, ऐसा नहीं कि छोड़ दो, सारा वीडियो को देखो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो यार, सारा वीडियो का अपडेट मिलेगा, तुम सब्सक्राइब करते रहो यार। अल्लाह हो रहा है, लगता है वॉइस ओवर करना पड़ेगा हमको। कोई दिक्कत नहीं, हम वॉइस ओवर भी कर देंगे, जितना आवाज़ रिकॉर्ड होगा होगा, नहीं होगा बाकी वॉइस ओवर। यहाँ सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना ना भूलो, कमेंट करके बताओ क्या चीज़ और है क्वेश्चन क्योरी तुम्हारा, वो हम सॉल्व करेंगे। तो YouTube पे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि इसमें यूजर मैनुअल में लिखा हुआ FZ में कि 1100 ml इसमें डालना चाहिए, 1100 हाँ मोबिल, और लेकिन डलाता हम लोग का 1 लीटर, तो उससे कोई दिक्कत होता? दिक्कत नहीं होता है उसमें से ना, वो लास्ट 100 ml हाँ सिर्फ ड्रेन के टाइम पे नहीं निकल पाता है। अच्छा, 1100 ml क्यों बोलती है कंपनी डालने के लिए, जिस समय इंजन डिस्कनेक्ट करते हैं उसके अंदर जब वॉश करते हैं तो वो पूरा एकदम सूखा होता है, ड्राई रहता है जी, ठीक है। तब हम लोग 1100 ml डालते हैं ताकि वो ड्राइनेस को 100 ml पूरा फिल कर दे। अच्छा, और प्रॉपर 1 लीटर मिरर में वॉक करते रहे। अब जब ड्रेन करेंगे ना तो जब भी हम 1 लीटर डालते हैं तो उसमें से हमारा 900 ml ही निकलता है। अच्छा, 50 ml वेपोराइज हो जाता है और 50 अंदर पूरा स्प्रेड हो जाता है। तो 1000 ml हमेशा डालते हैं और 99.500 सब निकाल लेते हैं। अच्छा, पूरा प्रॉपर 100 नहीं निकल रहा। अच्छा, अगर 100 डाले, 100 निकल रहा है हाँ, तो मतलब कि अगली बार ज़्यादा डाला गया। अच्छा, यानी कि ज़्यादा डालेंगे तो उसमें गैस अंदर बनेगा, जितना छोटा छोटा ऑयल सील और ओरिंग है जी वो प्रेशर के कारण फट के बाहर निकले, ऑयल लीकेज का। अच्छा, ऑयल लीकेज जो नीचे से देखते हैं गाड़ी स्टैंड पर रहता है तो मोबिल लीक होता है, साइड से ऑयल लीकेज हाँ, ज़्यादा इंजन ऑयल डालने के कारण उसके अंदर गैस फॉर्म हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो क्या करना ना फटने के रहता, तो जो भी उसको मुलायम चीज मिलती है जैसे रबर का ऑयल, हाँ अंदर में रबर है ना, तो रबर का ऑयल सील मुलायम हो जाता है और उसके बाद से वो स्प्रेड होने लगती है, निकलने लगती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ज्यादा डालेंगे तो ये डिमेरिट है, कम डालेंगे तो फिर ऊपर हेड के ऊपर चढ़ेगा ही। हाँ सही बात है, अगर ऊपर चढ़ भी गया तो नीचे का लेवल कम रहेगा, नीचे का कम, क्लच डाउन हो जाएगा। सही बात है, ठीक है, थैंक यू। तो फिटिंग का काम अब चालू हो गया है, सारा फिटिंग होगा अब गाड़ी में, जो भी दिक्कत था वो सारा दिक्कत का रिजोल्वेशन हो गया है। अभी उधर का जो पैनल टूटा है वो भी चेंज होगा, डिस्क पैड अभी हम चेक करवाएंगे क्या घिसा है कि नहीं घिसा है, चेंज कराना होता है ये भी करवाएंगे, नहीं होगा तो रहने देंगे। तो जब भी सर्विसिंग कराइए आप लोग भी तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, डिस्क पैड हमेशा चेक कराइए, उसको क्लीन करवाइए, वरना ये देखिए इस तरह का जो दिख रहे हैं इस तरह का लाइनिंग हमेशा बन जाता है, ये बाद में बहुत हार्म करता है, बहुत मोटा खर्चा बैठा देता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा सर्विसिंग के समय। बाकी हम देखते हैं जो भी डिटेल आपको बताते हैं। अब एयर फिल्टर चेक हो रहा कि गंदा है या ख़त्म हो गया है। एयर फिल्टर और मोबिल ये दो चीज़ हमेशा ध्यान रखा कीजिए, चेंज कराया कीजिए और उसको क्लीन रखिए, क्योंकि उससे माइलेज पर बहुत इफ़ेक्ट होता है। ये रहा एयर फिल्टर, ये है एयर फिल्टर का हाल। हाँ तो भाई इसको क्लीन करवाना भी जरूरी है,
जब भी सर्विसिंग कराओ सीट के नीचे हवा जोर मरवा लो। पानी का तो हमको भी कंफर्म पता नहीं है कि पानी से धोना सही है कि नहीं सीट के नीचे, लेकिन हवा मरवा के हमेशा करवा लो। तो चैन ढीला है, एक बार चेक करके दिखा देना। तो चैन हो रखा है ढीला, क्लीन तो है ही, ज्यादा तो गंदा है नहीं, क्योंकि हम खुद किए थे कुछ दिन पहले क्या। हाँ कितना गंदगी निकल रहा है, कितना गंदगी है। ये है चेन, बाप रे गंदा तो हो रखा है। इसको हम खुद कर लेंगे खोल के, यहाँ से होता है ना, ये हम खुद खोल के इसको साफ कर लेंगे। काफी गंदा हो रखा है। तो भाई एक नट लगवा ले रहे, डबल नट रहता है तो लॉक होता है इनका कहना है, और इससे फिर चेन ढीला नहीं हुआ जल्दी, है ना। तो वो नट लग गया है, अब चेन कम ढीला मतलब होगा, जल्दी ढीला नहीं होगा। और मडगार्ड खोलना पड़ा था उसके लिए, मतलब पूरा नहीं, बस एक साइड वाला लेफ्ट साइड का पैनल इसका खोलना पड़ा था, और हो गया बड़ा सब। तो भाई थोड़ा इसमें ग्रीसिंग का जरूरत था, ग्रीस लगवा दिए हैं। चलिए एक हो गया, तो क्या क्या इसमें अभी काम हो गया अपडेट दे देते हैं बीच बीच में। तो इसमें अभी क्लच प्लेट चेंज हो गया, क्लच हब चेंज हो गया, हाफ सेंटर चेंज हो गया, चेन टाइट हो गया है, मोबिल चेंज हो गया, मोबिल फिल्टर चेंज हो गया, और इधर एयर फिल्टर क्लीन हो गया। तो ये सारा काम हो चुका है, बाकी का जो काम है वो सिर्फ ब्रेक क्लीनिंग काम को लग रहा है, और थोड़ा सा बहुत जो ऑयलिंग करना रहता है सब जगह वो, फिर ये रेडी टू गो हो जाएगा। राइट साइड का फेयरिंग कसा चुका है, अब लेफ्ट साइड का भी होगा। लेफ्ट साइड का तो ऑलरेडी कसाया हुआ है, अच्छा नहीं कसाया सॉरी, लेफ्ट साइड का नहीं फेयरिंग कसाया, राइट साइड का हो गया। नीचे से धुआं दे रहा है, देखना इधर। हाँ अच्छा, ये मोबिल जल रहा है, मोबिल लगा हुआ है नीचे, मोबिल गिरा है। अच्छा अच्छा, तो ये वाला पार्ट टूटा हुआ है मेरा, देखते हैं। और ये ढीला था तो इसको टाइट करवा देगा। फेविक्विक वगैरह कुछ नहीं है क्या है। क्या काना थोड़ा ना, हाँ चिपका दो, काम ही नहीं करेगा ना ढंग से, बहुत दिन से हो रखा है ना, पास बाहर भी इसका मिल नहीं रहा, इसका टैंक पैड का बहुत इशू है, देखते हो लुचुर पुचुर, जबकि ज्यादा महंगा नहीं आता, 100-150 का ही चीज ही है। हाँ तो भाई एक फेविक्विक के लिए वो चिपकाने के लिए जो पार्ट्स नहीं है, भाई जब तक नहीं पार्ट्स मिलता है तब तक के लिए टेम्पररी जुगाड़ कर ले रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा दे रहे हैं भाई, बहुत दिक्कत ही कर रहा है बहुत दिन से है।
भाई के दिमाग से वो गैपिंग हट गया है, दिखा देते हैं एक बार। फैब्रिक क्विक और कपड़ा को करके लगा दिए जो काम चल जाएगा। इधर देखो हो गया है और ये गैप भी नहीं है। जब तक पार्ट्स नहीं मिलता तब तक लिए टेम्प्रेरी है लगाए हुए हैं, जब मिल जाएगा तो इसको चेंज करवा देंगे इमीडिएटली। और दो तीन दुकान में भी ऑर्डर दिए हुए हैं। इसको अंदर करते हैं। तो ये हो गया सारा काम लगभग। तो भाई मेरी संपत्ति हमको मिल चुकी है, ये सारे चीज को रख ले रहे हैं। बाद में ये तो बेच देंगे। ये एल्युमिनियम है, मिक्स एल्युमिनियम है, और ये तो मोबिल है, यूज कर लेंगे किसी और गाड़ी में। तो अब वेल्डिंग का काम हो रहा है, पूरे गाड़ी में ऑयलिंग होगा। तो मैकेनिक एक टेस्ट ड्राइव लेके आएंगे कि काम जो हुआ है सब परफेक्ट हुआ है कि नहीं। कोई और दिक्कत हुआ तो फिर आके उसको फिक्स करेंगे। बाय। एक बार इसको थोड़ा चला के देख लीजिएगा। प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम सब। अब नेक्स्ट सर्विसिंग में क्या चेंज कराना होगा? डिपेंड करता है क्या खराब करके लाते हैं। ऐसे तो कुछ का मेजर कुछ नहीं है। मेजर कुछ नहीं खराब होगा। मेजर कुछ नहीं है। बीच में एडजस्टमेंट के लिए अगर आप पहुंच जाते हैं ना, अच्छा, आरपीएम वगैरह 4 महीने का डिले होता है ना सर्विस में, तो महीना 2 महीने पे चेन क्लच एक्सेलरेटर का फॉल्स ये सब चीज पे ध्यान देंगे तो ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक ठीक। तो भाई तकरीबन 2204 रुपए का बिल हुआ है, ये देख सकते हैं जिसमें क्या क्या चेंज हुआ है बता देते हैं। ऑयल क्लीनर हुआ है, फिर ल्यूब चेंज मतलब मोबिल चेंज हुआ है, ऑयल क्लीनर चेंज हुआ है, उसके पुश वन पुश टू ये मतलब शायद वो है रॉड और प्लेट जो होता है क्लच प्लेट के अंदर जो रॉड होता है ना वो चेंज हुआ है। उसके साथ साथ आपका क्लच प्लेट हुआ है, फ्रिक्शन प्लेट हुआ है, दो वो जो क्लच हब होता है एक बॉस क्लच, प्लेट प्रेशर वो जो लोहा वाला होता है वो भी चेंज हुआ, क्लच हब और क्लच क्या था हाफ सेंटर वो दोनों चेंज हुआ है। तो तकरीबन इन सब का खर्च मिला के हुआ है MRP 430-80 फिर 31-31-60-41-137-165-287-140-88 या 340 रुपये लेबर कॉस्ट लगा है। तो ये टोटल हो गया 2200 रुपये के करीब में ये बिल बन गया। तो 2200 रुपये का खर्च हमको बैठा। तो अब गाड़ी लेते हैं निकलते हैं गेट पास, इसमें रख दें चाबी। तो भाई अब गाड़ी यहाँ ये रहा, भाई साहब चमक रहा है पूरा, एकदम लग रहा है नया अभी शोरूम से निकला, क्या मस्त लग रहा है देख के, एकदम प्यार हो जाता है गाड़ी को। तकरीबन 2200 रुपये का खर्च पड़ा और मेरा गाड़ी चमचमा गया है नए जैसा, और किसी चीज का लगा नहीं है खर्च। ओ भाई तो चलते हैं, अब देखते हैं हीरो का भी एक सूट है तो वो कर लेते हैं, हीरो के सूट करके फिर घर के तरफ निकला जाएगा, एक सिनेमैटिक शॉट ले लेते हैं। तो
2200 का तकरीबन खर्च पड़ा। अब इस बाइक को चला के देखते हैं पहले से कितना इंप्रूव हुआ है। पिकअप वगैरह कहता है कि क्लच प्लेट जला रहता है तो पिकअप अच्छा नहीं रहता, हमको फील हुआ था थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा जला हुआ था, तो अभी चला के देखते हैं इसमें कैसा फील है। तो चलिए बनते हैं, तो चलिए अब देखते हैं। ग्लव्स पहनना भूल गया। गाड़ी बढ़िया लग रहा है, बवाल लग रहा है, तब लगन टॉप लग रहा है, थोड़ा सा हमको पावर कम फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब पहले से कम हमको ऐसा फील आ रहा है। हो सकता है अभी पॉलिश वॉलिश हुआ है तो डिस्क पैड भी उतना सही से अभी वर्क नहीं करेगा, फ्रिक्शन के कारण थोड़ा सा मोबिल वोबिल रन हो जाएगा ना, थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा हमको आइडिया। अभी हमको जो काम है वो पूछ लेते हैं। प्लस थोड़ा सा हार्ड लग रहा है लेकिन ठीक है, तो देख लेते हैं पहले। तो भाई देखते हैं कैसा गाड़ी का परफॉर्मेंस अभी निकल के आ रहा है, माइलेज क्या हुआ, मतलब इसमें कुछ चेंजेस आया है कि नहीं, क्योंकि अब फाइनल सर्विसिंग सारा हो चुका है, अब इसमें कोई भी सर्विसिंग बाकी नहीं है, जो फ्री का सर्विसिंग होता है। तो ये क्या रहता है यार, खाली से उसमें अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा वॉशिंग हो गया, मोबिल चेंज हो गया, क्लीनिंग हो गया था, जो भी था इसका सर्विसिंग हो गया। मेजर चार जो सर्विसिंग होता है वो चार मेजर सर्विसिंग हो चुका है, तो बेसिकली अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आ रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब कुछ कमेंट करके जरूर बताएं। या सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना जो ना भूलिएगा। और हाँ, ये जितना भी वीडियो है इसमें आप मैंने कुछ बता दिया क्या क्या था, फोर्थ सर्विसिंग का ये सारा कवर हो गया है। और बाइक में क्या है कि गियर सब जो गियर शिफ्टिंग है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, और पिकअप भी थोड़ा, हमको पिकअप थोड़ा सा पावर कम लग रहा है बता देते, लेकिन यार एफजेड है तो है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।